आपने सुना होगा कि भारत के जो काले कुबेर हैं वो मॉरिशस में और स्विट्जरलैंड में पैसा जमा करते हैं, वहां अपना पैसा जमा करके टैक्स चोरी करते हैं। लेकिन भारत में 6 राज्य ऐसे हैं जो टैक्स हेवन है, मतलब टैक्स चोरी करने के लिए बहुत बढ़िया अवसर देते हैं। विदेश पैसा जमा करने की जरूरत ही नहीं है, भारत के 6 राज्यों में आप पैसा जमा करिए और टैक्स चोरी करिए, और उस टैक्स चोरी के लिए बाकायदा इनकम टैक्स एक्ट में धारा है, उसको कहते हैं सेक्शन 10 सब क्लास 26, सेक्शन 10 फिर ब्रेकेट 26, मतलब हिंदी में हम लोग कहते हैं धारा 10-26, अंग्रेजी में कहते हैं सेक्शन 10 सब क्लास 26। इस सेक्शन 10 सब क्लास 26 के कारण मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, इन 6 राज्यों में टैक्स से छूट मिली हुई है। वहां की जो ट्राइबल्स हैं उनको इनकम टैक्स फाइल ही नहीं करना है। तो पिछली बार जब 2016 में नोट बदली हुई थी उस समय भी चार्टर्ड प्लेन से, चंडीगढ़ से, दिल्ली से, पटना से, लखनऊ से, चार्टर्ड प्लेन में नोट भर भर के इन 6 राज्यों में पहुंचाया गया। उन 6 राज्यों में जो ट्राइबल्स हैं उनके नाम पे उनके जो बैंक खाते उसमें जमा किया गया, उनको 20% दिया गया और सारा व्हाइट करा दिया गया। इस धारा 10-26 के कारण मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के जो ट्राइबल्स हैं उनको इनकम टैक्स नहीं देना होता, उनको ITR का फॉर्म भरना ही नहीं है, इनकम टैक्स से छूट मिली हुई है। इसलिए पूरे देश के जो सफेदपोश नेता है, नौकरशाह है, काले कुबेर है, जिनके पास बेनामी संपत्ति है, करोड़ों का काला धन है, वो क्या करते हैं, इन 6 राज्यों में ट्राइबल्स के नाम पे पेट्रोल पंप खोलते हैं, शॉपिंग मॉल खोलते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं, बड़े बड़े स्कूल खोलते हैं, मारुति का शोरूम खोलते हैं, टाटा का शोरूम खोलते हैं, मर्सिडीज का शोरूम खोलते हैं, फैक्ट्रियां चलाते हैं, सब कुछ करते हैं, करोड़ों रुपए हर महीने इनकम है, लेकिन चूंकि नाम ट्राइबल का है इसलिए इनकम टैक्स देना ही नहीं, इनकम टैक्स से छूट है। इसलिए मैं कह रहा था ना कि विदेश में तो केवल 2 देश हैं जहां टैक्स चोरी कर सकते हैं, मॉरिशस और स्विट्जरलैंड, भारत में तो 6 राज्य ऐसे हैं जहां सीधे सीधे कानून बना के, कानून में एक धारा जोड़ के, धारा 10-26 बाकायदा टैक्स की चोरी की जा रही है। और आश्चर्य की बात यह, गांधीवाद की बात करने वाले सांसद विधायक मंत्री, राष्ट्रवाद की बात करने वाले सांसद विधायक मंत्री, लोहियावाद की बात करने वाले सांसद विधायक मंत्री, समाजवाद की बात करने वाले सांसद विधायक मंत्री कभी इस धारा 10-26 को हटाने की मांग नहीं करते, कभी वन नेशन वन टैक्स सिस्टम लागू करने की मांग नहीं करते। मैं ये कह रहा हूं अगर ट्राइबल्स को टैक्स में छूट देना है तो केवल इन 6 राज्यों के ट्राइबल को छूट क्यों मिली हुई है, उड़ीसा के ट्राइबल को छूट क्यों नहीं मिली है, उत्तर प्रदेश में भी ट्राइबल है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां ट्राइबल नहीं रहते, गुजरात में भी ट्राइबल रहते हैं, राजस्थान में भी रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं, झारखंड में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं, छत्तीसगढ़ में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां ट्राइबल नहीं रहते, फिर इन 6 राज्यों के ही ट्राइबल्स को टैक्स में छूट क्यों मिली हुई। आपको पता है मिशनरियों का गढ़ कहां पे है, पूर्वोत्तर है। अब पूर्वोत्तर क्यों है, क्योंकि वहां पे मिशनरियां ट्राइबल के नाम पे अकाउंट खोल के सारा का सारा पैसा वहां जमा करती हैं, और चूंकि उनको टैक्स से छूट मिली है तो उनका सारा सारा टैक्स बच जाता है। पूर्वोत्तर में जो अलगाववादी हैं, जैसे अभी मणिपुर में हिंसा हुई है, नागालैंड में हिंसा होती है, मेघालय में, शिलांग में हिंसा होती है, ये जितने भी वहां पे सेपरेटिस्ट हैं, अलगाववादी संगठन है, सब ट्राइबल्स के नाम पे अपना अकाउंट खोल के बैठे हुए, करोड़ों रुपए पैसा रखा हुआ, एक पैसा इनकम टैक्स नहीं देना। इसका दूसरा फायदा ये कि पूरे जो देश भर के जो चोर है, डकैत, ये अपना पैसा वहां ट्राइबल के खाते में जमा करते हैं, ट्राइबल को भी कुछ कोई बैठे बैठे अगर 20% कमीशन मिल रहा हो, भाई अगर 10 करोड़ जमा करा दिया और 2 करोड़ बैठे बैठे मिल गया, एक पैसे का कहते नहीं हिंग लगे ना फिटकरी, मेहनत करना नहीं, कुछ करना नहीं, केवल अपने नाम पे खाता जो खोलना है, अपने नाम पे जो है फैक्ट्री का लाइसेंस लेना है, अपने नाम पे जो है
पेट्रोल पंप का लाइसेंस लेना है, अपने नाम पे जो है स्कूल शुरू करना है, अपने नाम पे हॉस्पिटल चलना है, चलाना नहीं है, मेहनत कुछ नहीं करना है, बैठे बैठे करोड़ों रुपए कमा रहे। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, अगर पूर्वोत्तर के अलगाववाद की समस्या खत्म करानी है, पूर्वोत्तर में जो धर्मांतरण की समस्या रोकना है, जो मणिपुर में हिंसा हुई है इस तरीके की हिंसा को रोकना है, तो वन नेशन वन टैक्स की मांग करिए। और ये जो काला धन सफेद हो रहा है ना पूर्वोत्तर में जाके, इसको बंद करने की मांग करिए। याद रखिए, सारे के सारे सनातन विरोधी कार्य पैसे से होते हैं, कुछ भी फ्री में नहीं होता। अगर भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो माओवाद खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए पूर्वोत्तर का अलगाववाद खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए धर्मांतरण खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए जो किडनैपिंग है ये खत्म हो जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए अवैध हथियारों की जो सप्लाई हो रही है ये बंद हो जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा ड्रग स्मगलिंग बंद हो जाएगी। ड्रग स्मगलिंग का भी पूरा का पूरा जो सोर्स है वो पूर्वोत्तर से शुरू होता है। अभी मणिपुर में जो इतनी हिंसा हुई है उसमें ड्रग स्मगलर्स का भी बहुत बड़ा योगदान है, उसमें कुकीज का बहुत बड़ा योगदान है। भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो जो घुसपैठ हो रही है ये भी बंद हो जाएगी, क्योंकि घुसपैठिए घूस दे के आते हैं, घूस दे के राशन कार्ड बनवाते हैं, घूस दे के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, सब कुछ करते हैं। हमारी सनातन संस्कृति के लिए भ्रष्टाचार बहुत बड़ा खतरा है। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए बहुत सारे स्टेप लेने पड़ेंगे, लेकिन एक जो सबसे जरूरी स्टेप है वन नेशन वन टैक्स लागू हो। ये धारा 10-26 इनकम टैक्स एक्ट की धारा 10-26 सेक्शन 10 सब क्लास 26 तुरंत खत्म किया जाए। इस विषय पे कभी चर्चा नहीं होती, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, अपने सांसद को टैग करके ट्वीट करिए, अपने अपने पसंदीदा नेताओं को टैग करके ट्वीट करिए, वन नेशन वन टैक्स की मांग करिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून की मांग करिए।